सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड, और फिर उनको सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें क्या है कि इफ वी ऐड, ये इसका पार्ट वन है, तो पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं और वन सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड वन टू द डिनोमिनेटर ओनली, और ये 1/2 बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करें, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया एक्स, एंड लेट डिनोमिनेटर बी वाई, और फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स अपॉन वाई की न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर की एक्स प्लस वन, न्यूमरेटर में वन ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से क्या कर लिया हमने वन सब्ट्रैक्ट वाई माइनस वन, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है वन। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ प्लस का वन है, इस साइड जाकर माइनस का वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये हुआ इक्वेशन नंबर वन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि इफ वी ऐड वन टू द डिनोमिनेटर की एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, ये हुई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, और इक्वेशन टू क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। अब यहाँ पर y ऑलरेडी दोनों y y इक्वल है, तो हमें यहाँ y को एलिमिनेट कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नीचे की इक्वेशन में साइन चेंज करने होंगे, साइन चेंज कब होंगे, सब्ट्रैक्शन में, जो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो y से y कट, x माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो x की क्या वैल्यू आई थ्री, ये हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, तो y की क्या वैल्यू आई फाइव और x की क्या वैल्यू आई थ्री, तो फ्रैक्शन क्या आया, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। अब आप देखें वेरिफिकेशन के लिए कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम 3 में 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, तो 3 प्लस 1 4, और y यानी कि 5 में से माइनस करते हैं 1, तो 4/4 इक्वल टू 1, और सेकंड कंडीशन में अगर हम सिर्फ इसमें 1 ऐड करते हैं तो एक्स की क्या वैल्यू है 3, और वाई की क्या वैल्यू आएगी, और नीचे क्या वैल्यू आएगी 5 प्लस 1 यानी 6, 3/6 1/2, तो फ्रैक्शन क्या आया 3/5। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फाइव, तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 5 years अगो नीरू वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 5 साल पहले नीरू क्या थी कि थ्राइस एज ओल्ड एज सेनू सोनू, तो नूरी की अगर एज 9 है तो सोनू की कितनी है 3, तो वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। और 10 years लेटर
तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी की अगर एज 20 है तो सोनू की कितनी होगी? 10। तो हमें एज फाइंड करनी है कि नूरी एंड सोनू की कितनी एज है, कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, नूरी की एज मान ली एक्स ईयर्स। लेट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या मान ली हमने? वाई ईयर्स। ये नूरी एक्स ईयर्स से ओल्ड है और सोनू कितने ओल्ड है? वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, कि अगर मान लीजिए आज नूरी 10 ईयर्स की है तो 5 साल पहले कितने कितने ईयर्स की थी? 10 माइनस 5, यानी कि 5। तो 5 ईयर्स एगो कितना होगा? फर्स्ट तो कि x-5, कि आज एक्स ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x-5। और सोनू की एज क्या होगी? y-5, कि आज सोनू की एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी? y-5। और इसमें क्या है कि नीरू वाज थ्राइस ओल्ड, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी? कि आज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x-5। और सोनू की कितनी होगी? y-5। और कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 साल पहले कितनी थी? 5 ईयर्स एगो नूरी बाय थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि सोनू की एज जो अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तो तब वो नूरी की एज के इक्वल होगी। तो x-5 इक्वल टू 3y-15। तो यहाँ से क्या है कि x-3y और -15 + 5, इनकी x-3y इक्वल टू -10, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि 10 ईयर्स लेटर, कि अगर आज नूरी की एज एक्स है तो 10 ईयर्स लेटर बाद, कि 10 ईयर्स लेटर कितनी एज होगी उसकी? x+10, और सोनू की y+10। और कंडीशन क्या है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, कि अगर सोनू की एज को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो वो नूरी की एज के इक्वल हो गई। तो x+10 इक्वल टू 2y+20, तो x-2y इक्वल टू 20-10, x-2y इक्वल टू 10, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x-2y इक्वल टू 10। अब एलिमिनेशन करने के लिए हमें नीचे साइन चेंज करने होंगे, क्योंकि एक्स और एक्स ऑलरेडी इक्वल हैं, और साइन चेंज कब होंगे? सब्ट्रैक्शन में। तो माइनस प्लस माइनस, सो एक्स से एक्स कट, x-3y इक्वल टू -10, x-2y इक्वल टू 10। तो 5y इक्वल टू 20, यानी y की क्या वैल्यू आई? 20/5, y इक्वल टू 4। ले ये तो पैदा ही ना हो 4 साल 5 साल पहले, यार गलत कर दिया कहीं। 3y-15, -3y और प्लस के 2y, तो क्या आएगा? माइनस का y और -10 -10 -20, तो माइनस से माइनस कट, तो y की क्या वैल्यू आई? 20। और ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x-3y इक्वल टू -10, तो x-3 × 20 इक्वल टू -10, तो x की क्या वैल्यू आई? -10 + 60, यानी x की क्या वैल्यू आई? 50। तो एज ऑफ नूरी कितना आया? हमने क्या माना था? x ईयर्स, यानी 50 ईयर्स
और एज ऑफ सोनू कितना होगा 20 इयर्स। अब आप देखें कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 5 साल 5 इयर्स एगो नूरी की एज कितनी होगी 50 माइनस 5 45 और सोनू की 20 माइनस 5 15, तो 45 क्या है 3 टाइम्स है 15 का। सो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, 10 इयर्स लेटर 50 प्लस 10 60 और 20 प्लस 10 30, तो 60 क्या है 30 का ट्वाइस है, यानी कि नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। तो आंसर क्या है, नूरी की 50 इयर्स और सोनू की 20 इयर्स। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इसमें क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हम क्या मानेंगे कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड लेट टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। सो क्या है इसमें फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि यूनिट प्लेस और टेन प्लेस का क्या मतलब है कि जैसे 26 कोई नंबर है तो 6 है यूनिट प्लेस का और टेन प्लेस का क्या है 2, तो ये नंबर होगा 2 × 10 + 6, तो ये क्या है 2 क्या है टेन प्लेस का और यूनिट प्लेस का है 6। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ कि मान लीजिए उसकी डिजिट है 4 और 5, तो इन दोनों का सम 2, 5, 9। और अगर कहते कि नंबर है तो यही क्या होता कि अगर 4 और 5 होते तो 4 × 10 + 5, ये तो ये क्या है यहां पर हमें सिर्फ इनका डिजिट्स का सम बताया गया वो क्या है 9। तो हम क्या करेंगे सिंपल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में क्या है कि 9 आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम इस नंबर को नंबर क्या होगा x प्लस 10y, अगर हम इसको 9 टाइम्स कर दें कि अगर हम नंबर को 9 टाइम्स कर दें कि x प्लस 10y क्या होगा, कि अगर हम इसको 9 टाइम्स कर दें तो वो होगा 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कि यूनिट प्लेस में हम वाई कर दें और टेंथ प्लेस में हम कर दें एक्स, वाई प्लस 10x वो क्या होगा ट्वाइस, कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ऑब्टेन बाय 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x + 19y = 2y + 20x। यहां से क्या होगा कि 9x x के इस तरफ ले आएंगे -20x + 90y - 2y = 0। तो ये क्या होगा -11x और प्लस के 88y = 0। तो यहां से क्या आया 11 कॉमन, तो -x + 8y = 0, तो -x + 8y ये इस साइड 0/11 यानी कि 0, तो माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या आई x + y = 9, सेकंड इक्वेशन क्या -x + 8y = 0। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे दोनों को,
और x इक्वल है और नीचे x का साइन अलग है कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस का साइन है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो x से x कट के 9y इक्वल टू क्या आया, 9 प्लस 0 9, यानी y की वैल्यू क्या आई 9 अपॉन 9, यानी y की वैल्यू आई 1। और ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 1 यानी कि x की क्या वैल्यू आई 8 और y की क्या वैल्यू आई 1। तो नंबर क्या आया, नंबर क्या है, ऑप्टेन नंबर इज, पहले क्या आएगा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या है एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू है 1 8 और वाई की क्या वैल्यू है 1, तो नंबर ऑप्टेन क्या है 18। अब आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 प्लस 8 कितना होगा 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कि 18 को अगर हम 9 टाइम्स करें, 18 × 9 × ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कि अगर हम 81 18 को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा 81, तो दोनों साइड क्या आएगा 162 162, यानी कि दोनों साइड इक्वल आएंगे, तो नंबर ऑब्टेन क्या आया 18। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि वो 2000 निकालने गई थी और उसने कैशियर से कहा कि उसको सिर्फ ₹50 की 50 और 100 के ही नोट्स दिए जाए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना को 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 900 रिसीव, तो लेट ₹50 नोट्स बी एक्स और 100 के क्या मान लिया हमने, ₹100 नोट्स भी वाई। तो एक कंडीशन तो ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की उसको कितने नोट मिले हैं, कुल 25, तो एक्स प्लस वाई, एक कंडीशन तो ये है कि उसको कितने नोट मिले हैं 25, दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास एक्स क्या है कि ₹50 नोट्स 50x प्लस 100y और कितने रुपए हैं कुल 2000। तो यहां से क्या है कि 50 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, 0 से 0 और 5 से 200, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन नंबर 2, और x प्लस y इक्वल टू 15, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये था फर्स्ट इक्वेशन। सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि x और x ऑलरेडी इक्वल है, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, x से x कट, y में से माइनस 2y, यानी कि माइनस वाई, 25 में से 40 गए तो 15, तो y इक्वल टू क्या आया 15। और ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो y की क्या वैल्यू आई थी 15 और x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x की क्या वैल्यू आई 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू आई 10, और y की क्या वैल्यू आई 15, तो ₹50 नोट कितने होंगे, ₹50 नोट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने होंगे 10,
और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने होंगे, 15। अब देखिए 10 into 50, 500, और 15 into 100, 1500, 2000, और देखें कि 10 और 15, 25 नोट्स थे दोनों, तो कितना आंसर आया कि 50 रुपये के नोट कितने होंगे 10, और 100 रुपीज नोट्स कितने होंगे 15। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, यानी एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कि लाइब्रेरी के फिक्स्ड चार्ज हैं पहले 3 दिनों के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल चार्ज होंगे, कि वो फिक्स चार्ज तो चलता ही रहेगा, उसके बाद एडिशनल चार्ज होंगे फर्स्ट 3 डेज के बाद। तो सरिता पेड ₹27 फॉर कीपिंग बुक फॉर 7 डेज, सरिता ने पे कर रहे हैं ₹27 जब उसने बुक रखी है 7 दिनों तक 7 डेज के लिए, और सूजी पेड ₹21 फॉर कीपिंग बुक्स फॉर 5 डेज। फाइंड फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, तो हमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज भी एक्स एंड लेट एडिशनल चार्ज भी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता की केस में क्या है कि उसने 7 दिनों के लिए बुक रखी है, कि फिक्स चार्ज कितना है एक्स, कि ये एक्स तो उसे पे करने, और उसके बाद उसने कितने दिनों तक रखी 7 डेज, कि फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, और बाकी 4 डेज के लिए, यानी कि एक्स प्लस 4y = 27, ये वो इक्वेशन नंबर 1। और सूजी के केस में कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है और 5 दिनों के लिए उसने बुक रखी, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो एक्स, और लास्ट के 2 दिनों के लिए कि x + 2y = 21, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी x और x वेरिएबल इक्वल हैं, तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं, बस हमें साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x से x कट, 2y - 4y - 2y = 27 - 21 6, तो y = 6/2, तो y = क्या आया 3, और ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x + 4y = 27, तो x + 4 × y = 27, x + 12 = 27, तो x की क्या वैल्यू आई 27 - 12, x की वैल्यू आई 15, और एक्स हमने क्या माना था कि फिक्स चार्ज कितना है ₹15, और एडिशनल चार्ज ₹3। अब देखें आप सरिता के केस में कि तो फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना है 15, और उसके बाद उसने कितने दिन बुक रखी है 3 दिन के बाद और 4 दिनों के लिए, तो 3 × 4 = 12, तो 15 + 12 = 27, और सूजी के केस में देखें तो 15 तो है ही, उसके बाद कितने दिनों के लिए रखी है उसने वो 2 डेज के लिए, तो 15 + 3 × 2 = 6, 15 + 6 = 21। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.3 की क्लास फिनिश हो जाती है, और इसके साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया था, कि सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद क्या स्टडी किया था, एल्जेब्रिक मेथड, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड स्टडी।
और इन तीनों के केस क्या बनते हैं कि अगर एक्स या वाई के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आती है कि जैसे एक्स इक्वल टू 4, तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों साइड इक्वल वेरिएबल आता है कि जैसे 2 इक्वल टू 2, तो वहाँ क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और मान लीजिए ऐसे आता है कि 2 इक्वल टू 3, तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई है, और अगर ये क्लास आपके समझ आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।